डार्क वेब इतनी क्रीपी जगह आप सोच भी नहीं सकते। डार्क वेब का माँ का भोसरा, तू ये देख। तो टट्टी लगी तो हमें चले गई टॉयलेट करने। ऐसे ही मैं टॉयलेट। तो गाइस यही है डार्क वेब का टक्कड़ का लेवल का कंटेंट। कोई हगने जा रहा है और आप टॉयलेट सीट को बिस्तर समझ के उसके ऊपर ऐसे लेटे रहे ताकि आपको क्या मिले? चूत। तो गाइस आज हम रोस्ट करेंगे सेजल एक्सिस को, जिसका कंटेंट से लेकर ह्यूमर से लेकर चमड़ी से लेकर सब कुछ डार्क आता है। एंड ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको खाना खाने में तकलीफ हो जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ बियॉन्ड किया है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। मतलब अगर कोई कॉम्पिटिशन रखा जाए ना कि कौन कितना बाहियात सोच सकता है, तो फिर इस मैडम का कोई मुकाबला नहीं। आज मेरा ब्रेकअप हो गया, आज मैं सबसे पहले इसकी दी गई सारी चीजों को जलाऊंगी, फिर इस बुक में हमारे प्यार की सारी मेमोरीज कैद है, इसको भी जलाऊंगी। एंड दीदी प्यार की निशानी तो ठीक था, बड़े हवस की निशानी कौन रखता है? इसका क्या एल्बम बना के अपने बच्चों को दिखाओगी कि बच्चों ये देखो ये तुम्हारी मामा का हिस्ट्री बुक? और दीदी एक एक आइटम पर एक एक बॉयफ्रेंड का नाम भी लिख देना, क्योंकि बच्चों को भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी माँ कितनी बड़ी। मरने के बाद स्वर्ग जा ही रही थी, दरबार ने रोक लिया, कहता आप नहीं जा सकते, पर मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, कहता ये देखिए। ठीक है तो फिर इन्हें नरक में भेज दो, और एक काम करो मुझे एक दिन के लिए यमराज बना दो, मैं इसे वही सेम पनिशमेंट दूंगा, बस आदमियाँ चेंज कर दूंगा, एक एक आदमी 15 फीट के होंगे। ये प्रेग्नेंट औरत सड़क पर भीख मांग रही थी, कह रही थी मेरा बच्चा होने वाला है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो मुझे लगा मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने इसको 2 पैकेट आईपीएल की गोली दी। 100 चुड़ैल मरी थी ताबे साली पैदा हुई होगी। एंड आईपीएल की गोली इस औरत को मत दे, एक काम कर डोरेमोन से टाइम मशीन ले और समय में 20 साल पीछे जाके अपनी मम्मी को दे, फिर देखना पूरा इंटरनेट सेफ रहेगा, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। बर्गर खा रही थी, उसके बाद जो हुआ मुझे बिलीव नहीं हुआ। सच कभी मेरे इतने सामने से भी शाहरुख खान सर निकले, यहाँ बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले, फिर मैंने उसके। सीरियसली अबे रेस्टोरेंट का टॉयलेट है, डेली 10-15 लोग आके उधर अपना वजन घटाते हैं, और आंखों की चाट गई, एक टॉयलेट सीट के ऊपर करीबन 1000 वायरस बैक्टीरिया होते हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसने 50 बैक्टीरिया मार दिए हैं। तो आज मुझे रोड पे एक कार दिखी जो कि मुझे बहुत सेक्सी लगी, तो फिर मैंने उसके साथ। आज कार सेक्सी लगा तो कार का रेप कर दिया, कल अगर आपको रास्ते से चलते वक्त कोई बांस का पेड़ सेक्सी लगा तो क्या करोगी? आज मेरे घर में एक चूहा मरा पड़ा मिला, वो दिखने में बहुत ही क्यूट और सेक्सी था, तो फिर मैंने उसके साथ। चूहे को मरने के बाद भी शांति नहीं मिली, यार कहाँ से खाना निकल रहा है? एक पीढ़ी ये क्या है? पीनट बटर।